राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो चुके हैं, अब सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी उन्हें भेजा जा चुका है और राहुल पहले ही ये बात कह चुके हैं कि उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं, मतलब अब राहुल पूरी तरह से बेघर हैं। 24 अप्रैल तक सरकारी बंगला उन्हें खाली करना है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जो एफिडेविट दिया उसमें उन्होंने बताया था कि महरौली के सुल्तानपुर में उन्हें खेती की जमीन विरासत में मिली थी। कीमत आज की तारीख में अगर हम काउंट करें तो वो है 1.32 करोड़ के आसपास। यहाँ एक फार्म हाउस है। राहुल गांधी के पास गुरुग्राम में 2 कमर्शियल स्पेस यानी दुकानें हैं जिसे उन्होंने किराए पर दिया है। उनके पास कोई कार नहीं है। 333.3 ग्राम का सोना है। 5.19 करोड़ रुपए उन्होंने बॉन्ड्स और शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो आखिरकार राहुल की कमाई कैसे होती है? राहुल गांधी के पास सांसद के तौर पर हर महीने तनख्वाह आती थी जो अब नहीं आएगी। बॉन्ड से मिलने वाला इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, रॉयल्टी इनकम और म्यूचुअल फंड से मिलने वाला डिविडेंड और कैपिटल गेन, ये सब उनके इनकम के स्रोत हैं। राहुल गांधी कहाँ रहेंगे? अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि आखिर बंगला खाली करने के बाद राहुल गांधी रहेंगे कहाँ। राहुल के पास जो कुछ विकल्प है वो बताते चलते हैं आपको। पहला विकल्प है, राहुल अब 10 जनपद स्थित अपनी माँ सोनिया गांधी के बंगले में रह सकते हैं। दूसरा विकल्प है, दिल्ली में ही कहीं वो किराए का मकान ले सकते हैं और वहीं पर वो रह सकते हैं। और तीसरा विकल्प है, राहुल गांधी अपने फार्म हाउस में भी रह सकते हैं। तो इन सभी में से कोई भी विकल्प राहुल गांधी अपना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि उनके पास अपना कोई घर तो है ही नहीं और अब सरकारी बंगला भी उनसे ले लिया गया है।